नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। बच्चों को शिक्षा देने वाले अध्यापक अब शराब की फैक्ट्रियों में शराब की बोतलों की गिनती करेंगे और देखेंगे कि शराब कैसे बनती है और कितनी बोतलें बिक चुकी है। यह आदेश गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इशफाक की तरफ से जारी किए गए हैं। यह आदेश मिलने के बाद अध्यापकों में काफी रोष पाया जा रहा है। इस पर अब अध्यापकों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज अध्यापकों की तरफ से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई और मांग की गई कि इस हुक्म को जल्द से रद्द किया जाए। वह किसी कीमत पर शराब की फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। अगर वह हुक्म जल्द से रद्द नहीं किए गए तो वह संघर्ष को और तेज करेंगे। इस मामले पर जब डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर मोहम्मद इशफाक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते अलग अलग महकमे के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुझे नहीं पता कि अध्यापकों की ड्यूटी भी लगाई गई है, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के चलते सभी अध्यापकों की ड्यूटी रद्द कर दी गई है। गुरदासपुर से रमन कुमार की रिपोर्ट, देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज 24। आइसोलेशन सेंटरों के लगिया ही, गोदामों के लगिया ही, ये सारिया ड्यूटियां साडा अध्यापक वर्ग बड़ी ईमानदारी टाइमटाइम कर रहा तो करता रहेगा, क्योंकि जितनी ड्यूटियां सानू पता सा ड्यूटी जी सा मान सम्मान वास्ते जे प्रशासन वास्ते पंजाब वास्ते जिस तरह का ये जरा चल रहा वा जो भी प्रोत चल रहा वा वो वास्ते अं अपनी ड्यूटियां देने हर वक्त तैयार हाँ। पर असी अध्यापक जिन्होंने कि गुरु का रुतबा दिता गया, जिन्हें कि बच्चों देश के निर्माता बनाना वा, जिन्हों के घरों में अध्यापक दल्ला होंदिया ने कि साडे बच्चों को चंगी सिक्ख्या दिता वा, साडे बच्चों को यह दसदा नशे बहुत माड़े ने। अज उस अध्यापक की ड्यूटी जी वो फैक्ट्रिया के लगाई जा रही आ जी शराब की निगरानी करने वास्ते। असी इस समझने कि साडे माण सन्मान के उत्ते बड़ा तगड़ा अटैक किया गया, सानू समाज के बड़ा जलील किया जा रहा। असी इस ड्यूटी को कभी प्रवान नहीं करा, यदा डट के विरोध करा। अज अं विरोध करने वास्ते आए हाँ, ना अं माण योग डिप्टी कमिश्नर साहब को ही मंग पत्र देवे। अज जरा यह शराब की फैक्ट्रिया की निगरानी के अध्यापकों की ड्यूटी लाई है, असं समझा ये सिक्ख्या के उत्ते हमला है। सिक्ख्या के हमला इस करके है कि पंजाब की जी इकोनमी शराब के उत्ते चलती है, शराब के उत्ते सिलसिला के किताबा लाइया जाए ने, पर पंजाब सरकार की जी अंदरूनी लड़ाई है, जी मंत्रियों की लड़ाई है, चीफ सैकटरी लड़ाई है, उस लड़ाई के कल्ले गुरदासपुर के अध्यापकों की ड्यूटी जी वो शराब फैक्ट्री चिड्डा फैक्ट्री के लाई गई है। तो अध्यापक देखने कि उत्थे कि शराब बनती है तो कि बनती है। दूसरे नंबर पर अध्यापकों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। अध्यापक की ड्यूटी 10 बजे तो लेकर 6 बजे तक लाई गई है। इस करके असं बहुत विरोध करते हैं, इन सिक्षा के हमला मानते हैं। पंजाब के अध्यापक कद बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने शरीर किया जाए। असं मुख्य मौकों से ड्यूटी ला सकते हैं, असं अपना सड़कों की ड्यूटी दी है, असं प्रवासियों को ड्यूटी दी है, असं मंडिया ड्यूटी दी है, असं मंदिर मंडी को ड्यूटी दी है, पर सवाल का सवाल सवाल समझ के कोई भी ड्यूटी जो पंजाब के अध्यापक नहीं करेगा। सरकार कहीं 188 लानी है, वो 188 की बजाय भावें 306 ला ले, 307 ला ले, 304 ला ले, जड़िया दफा लाइया ने वो ला ले। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੋ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਟੀਚਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਜਨਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਫਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆਫ ਚਾਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੀ ਲਾਉਣੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।